अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक दाल की वैरायटी और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसका नाम है कोयला मूंग मखनी। तो मूंग की दाल की हम यहाँ पे बनाएंगे रेसिपी, जिसमें मक्खन भी है और कोयले का उसको धुआं दिया जाता है। कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग की दाल है, इसको मैंने वॉश किया और ओवरनाइट पानी में डालकर सोक किया और फिर साफ पानी में सुबह उसको मैंने बॉयल किया कि ये कम्प्लीटली गल चुकी है और थोड़ा सा उसका पानी बीच में रिमेनिंग है। तो ये मैं नहीं फेंकूंगी क्योंकि जब दाल उबालते हैं तो उसका जो जायका है वो पानी में आ जाता है। तो ये वो हो गया। मसालों के लिए आपको चाहिए प्याज, ग्राइंड कर लीजिएगा, दैट्स अनियंस। टमाटर आपको चाहिए, इसे भी आपने जो है ग्राइंड करना, दैट्स टमेटोज। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। गर्म मसाला मेरा होममेड है, सॉल्ट यानी कि नमक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, हल्दी हो गई, दैट्स टर्मरिक। बटर का इसमें इस्तेमाल है। अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बाय ऑल मीन्स आप तेल में भी बना सकते हैं या घी में, आपकी चॉइस। बीच में दो सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही मज़ा है। डिफरेंट रेसिपी मैंने आपसे पहले भी कहा है। इसमें जाएगी गाजर, दस कैरेट्स, उसको छील लें और आपने इसको बिल्कुल बारीकी देख लें, चॉप कर लेना है। इसी तरह शिमले की मिर्च आप लेंगे, कोई भी कलर ले लें, और बीच में से उसका जो सीड्स हैं, बीज, वो निकाल लें और इसे भी आपने जो है यू बारीक काट लेना है। क्रीम जाएगी बीच में, यानी कि जो पैकेट्स में आपको क्रीम मिल जाती है, मलाई। इसका जो भगार हमने लगाना है उसके लिए आपको दोबारा मक्खन का इस्तेमाल करना है। हरी मिर्चें जाएंगी यानी कि बटर, ग्रीन चिली, फ्रेश गार्लिक यानी कि लहसुन, ज़ीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स, जैसे आपसे कहा है कोयले का इसमें जायका आएगा तो हमने कोयले का उसको धुआं देना है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हो गई, तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक हांडी, उसमें मैंने जो है थोड़ा सा बिल्कुल तेल डाला था, बाकी इसमें आप डालेंगे मक्खन। तेल डालने का ये होता है, ये एक टिप है कि आपका मक्खन जो है जलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप पहले तेल डाल लें तो फिर ये कि आपका मक्खन जलेगा नहीं। चल रहा ये चला गया और मक्खन मेल्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मेल्ट हो जाने दें और फिर बाकी चीज़ें डाल। जैसे ही मक्खन यहाँ पर मेल्ट होगा इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्याज आपको दिखाया था, और बीच में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और इसको बादामी कलर की तरफ आपने जो है ले, तो देख लें यहाँ पर प्याज जो है और अदरक लहसुन अच्छे से बादामी कलर की तरफ आ चुका हुआ है। फ्लेम जिसे मैंने जो हाई पर ही रखी हुई थी शुरू से लेकर, यहाँ पर लाकर के अब आप ऐड करेंगे जो के है टमाटर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक। फ्लेम हाई पर रखें और इसको इतना कुक कर लें कि जो तेल या मक्खन जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए और मसाला अच्छा सा हमारा यहाँ पर बने। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है मसाला तैयार हो गया है, मक्खन सरफेस पर आ गया। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो शिमला मिर्च और आपको गाजर दिखाई थी, तो ये बीच में डाल लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं और साथ ही यहीं पर अब हम ऐड कर देंगे जो हमारी बॉइल्ड दाल है। तो ये मिक्सअप हो गया, अब इसमें दाल डाल देते हैं और साथ ही वही पानी जो बच गया था। अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम और हाई के दरमियान में रखें। आपने इसको कुक करना है कि जो लिक्विड है ये तमाम ड्राई हो जाए और दाल गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी, क्योंकि दाल ऑलरेडी बॉइल्ड है, हम इसको और कुक नहीं करना, सिर्फ मसाले में पका रहे हैं और ये कि मसाला कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए उसको टाइम देंगे हम यहाँ पर। तो जैसे आपसे कहा है उबाला आ जाने दें और मीडियम टू हाई की दरमियान में रख इसको कुक कर लेते हैं कि दाल गाढ़ी हो जाए। अगर आपके पास पानी नहीं बचा जिसमें आपने दाल बॉईल की, तो मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगी, आप पानी और ऐड कर लें ताकि वो ये कि हमारा मसाला दाल के साथ इक्वली पक जाए। तो ये हो जाने दें, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप देखना। तो यहाँ पर देख लें कि दाल जो है ये गलने की तरफ, सॉरी गल तो चुकी है लेकिन मेरा तो गाढ़ेपन की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करनी है जो कि आपको क्रीम दिखाई थी, ये डाल लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम को यहाँ पे ला के बाप कर देंगे हाई पर, ताकि जो है मज़ीद ये और गाढ़ी हो जाए। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना इसको गाढ़ा या पतला पसंद करते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो ये कि इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं और फिर इसको जो है तड़का लगा लेते हैं।
यहाँ पर दाल आप देख लें परफेक्टली गाढ़ेपन की तरफ आ गई है। मैंने जैसे चूल्हा बंद कर चुकी हूँ, अब यहाँ पे इसको जो है कोयले का धुआं देंगे। तो मैंने कोयला गर्म कर लिया था, तो बीच में आप कोई भी कटोरी यूँ रखते हैं उसमें आप ऐड करेंगे तेल और इसे कवर कर दें जब तक कि धुआं सेटल हो जाए। अब आपने क्या करना है, मक्खन इसमें मेल्ट हो रहा है और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है। इसमें मैंने आपको पहले बताया ये एक टिप होता है कि फिर आपका मक्खन जलता नहीं है। तो यहाँ पर मक्खन मेल्ट हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे लहसुन और फ्लेम हाई पर रखें इसको ज़रा गोल्डन हो जाने दें। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा आप इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, चंद सब्ज हरी मिर्चें और ये बघार हमारा तैयार हो गया। जिस भी डिश में आप दाल को सर्व कर रहे हैं उसमें आप दाल को डालिए और ऊपर से बघार को हम डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे, उस गरम गरम बघार को उसके ऊपर डालेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बघार दे देने के बाद आप इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सफ़ेद चावलों के साथ, आपकी चॉइस है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जिसको quickfaiza.net पर, और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, ताको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।